ये एशिया का सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर। कुछ दिन पहले हम अयोध्या गए थे राम मंदिर पर, और अब आए हम हनुमान जी के धाम। और ये भी ना मंदिर लगभग लगभग भाई बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है जैसा ना वहाँ का मंदिर दिख रहा था। हमने कैंपिंग की थी, वो लोकेशन है, और यहाँ पर ना भाई बोटिंग वगैरह सब कुछ होती है। So, hey guys, good morning and welcome back to the channel once again. मेरा नाम है लव, आप देख रहे हो मेरा YouTube channel Rider लव जाट। तो भैया रात हमने यहाँ पर की थी कैंपिंग, और दो टेंट लगाए थे, एक 4% वाला और एक 2% वाला। और रात ना हमने यहाँ पर सारे का सारा खाना वगैरह जो कुछ भी था वो सब यहीं पर बनाया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देख लेना, लास्ट वीडियो यही की है। और जिस लोकेशन पर ना हमने कैंपिंग की थी वो लोकेशन है सात ताल, और यहाँ पर ना भाई बोटिंग वगैरह सब कुछ होती है। अगर आप आना चाहते हो अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह किसी के भी साथ आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। पर यहाँ का ना एक व्यू आपको देता हूँ मैं ड्रोन के साथ। कैसे लगे आपको ड्रोन शॉट कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहाँ पर रात हमने कैंपिंग की थी ना वहाँ पर ना कुत्ते कुत्ते हो गए। वो देखो भाई कितना तगड़ा कुत्ता है, देखो ऐसा लग रहा है कि ये तो टाइगर से भी भिड़ जाएगा। देखो कितना तगड़ा मुंह है इसका, डर सा लग रहा है भाई इसे देख के भी। और इसका नाम भोला है, भोला तो खोलिए। लेकिन अगर आप कैंपिंग कहीं भी करते हो ना तो भाई वहाँ का ना साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। जो कुछ भी आप कूड़ा करकट लाए हो उसे या तो कहीं रख करके जला दो या फिर अपने साथ में ले जाओ। गाड़ी में अब चलते हैं घर। So guys, एक कैंपिंग लोकेशन और है यहाँ पर। Guys, यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और हम जाने वाले हैं एक और कैंपिंग लोकेशन पर। लेकिन यहाँ ना टेंट लगाना वर्जित लिखा हुआ है, और जो कबीरा भाई हैं वो बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पर पहले भी कैंपिंग की हुई है। और ये लोकेशन ना पूरी पूरी जंगलों में है भाई, और यहाँ पर ना भैया खतरा लिखा हुआ है, सावधानियां लिखी हुई, और यहाँ पर ना पानी बहुत गहरा है। और ये लोकेशन गरुण ताल के नाम से है। और यहाँ पर ना रात को कैंपिंग लगाना इसलिए वर्जित है क्योंकि यहाँ पर ना गुलडैर और बाघ वगैरह का आने का खतरा होता है, क्योंकि ये बहुत ही भयंकर और बहुत ही खतरनाक लोकेशन है। आप देखो किस कैसे कैसे कितने छोटे छोटे रास्तों से होकर के हमें जाना पड़ता है जंगल के अंदर, और वहाँ पर आप अपना कैंप वगैरह कर सकते हो। जैसे देखो लोग ना यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए। भाई ये क्या चल रहा है, देखो तो सही क्या चल रहा है ये, यहाँ तो गाने वगैरह गा रहे हैं। यहाँ से ना भी हमें और अंदर जंगलों में जाना जहाँ पर ना हम रात कैंपिंग करने वाले थे, लेकिन हम सात ताल चले गए क्योंकि यहाँ पर ना वर्जित लिखा हुआ था कैंपिंग करना। बट अगर आप एडवेंचर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हो, क्योंकि हमारे कबीरा भाई ने क्यों ये ना कोई रोकता तो रोक टोक तो नहीं होती। लेकिन अगर आप आ रहे हो तो मेरी बातों पे बिल्कुल मत आना, अपने रिस्क पे आना, क्योंकि यहाँ पे ना जंगली जानवरों का बहुत बड़ा खतरा है। सो गाइस देखो कितनी प्यारी लोकेशन है अपने कैंप वगैरह लगाने के लिए। यहाँ ना सामने आप अपना कैंप लगा सकते हो, और सामने बिल्कुल एक ताल है। इस ताल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जैसा कि मुझे रोहित भाई बता रहे हैं, है ना। गरुड़ ताल नाम इसका, भगवान विष्णु के वाहन का। सो गाइस इस वाली लेक पर ना मैं एक दिन कैंप जरूर करूंगा इस जगह पर, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि यहाँ शांति है, बिल्कुल पीस है, पीसफुल जगह एकदम। तो इस जगह पर भी आने वाले समय में हम कैंपिंग करने वाले हैं। तो भाई गाड़ी में ना बैठे बैठे चक्कर से आ गए, दिमाग घूम गया भाई। आ गए हम अपने पहाड़ी परिंदा की शॉप पर। जी ऐसा हो रहा है उल्टी के साथ, इसलिए ना मैं भाई गाड़ियों में बैठता नहीं हूँ, लेकिन आज बैठ गया। थोड़ा सा मैंने मोबाइल भी चला लिया, जैसे जैसे मेरा दिमाग घूम रहा है ऐसे गोल 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 गोल। तो भाई सुबह से ना भूख लग रही थी बहुत तेज। देखो इस भाई को देख लो, जब भी मैं इसकी दुकान पे आता हूँ ना बेचारा इतना दयालु है, कुछ ना कुछ खिलाता ही है। अब देखो हम जलेबी ले आए, अब खाएंगे जलेबी, क्योंकि मेरे ना 10 के हो गए, उसकी खुशी में ना मैंने सबको जलेबी खिला रहा हूँ भाई। पैसे भी देता फिर तू है, पैसे भी देता, पैसे आएंगे जब ना, जब ऐसे नहीं चलेगा। वो भाई नीचे रखो जा, बेईमान नहीं चलेगी। वो कैसे मुंह में उठो रहा है आदमी, देखियो कितना चौड़ा मुंह खोलता है आदमी। फाइनली पहुंच गए हम कहां, जहाँ से हम गए थे, उधर खड़ी अपनी धन्नो, धन्नो भी दिखवाता हूँ। बाकी फटाफट अपना सामान वगैरह लेकर के चलते हैं अंदर, सामान रखते हैं, और कल देखते हैं हमें कहाँ जाना है, क्योंकि ना अपनी स्पीति राइड तो कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि यार रोहित भाई के ना पैर वैर में दिक्कत है, और उधर से घुमक्कड़ भाई जो हैं अपने विक्की भाई उनके साथ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से अभी अपनी ट्रिप ना वहाँ की कैंसिल हो जाएगी। तो कल ना एक दो जगह जाएंगे, क्योंकि भाई स्नोफॉल दिखाने के लिए मैं आया था, तो आपको स्नोफॉल जरूर दिखाऊंगा, चाहे उत्तराखंड में ही दिखाऊं।
फाइनली पहुंच चुके हैं रोहित भाई के घर। ये खड़ी अपनी धन्नो, पता ना ये कितने दिन से खड़ी है इस जगह से, ना टस से मस नहीं हुई, यही की यही खड़ी है। तो भाई जी पापा बैठे हैं घर के अंदर। हेलो बाबा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड इवनिंग हो गया पापा, गुड मॉर्निंग कह रहे हो। अंकल जी प्रणाम। भैया नैनीताल से आए कैंपिंग करने के बाद में, अब घर आए। घर आने के बाद में सोचा क्यों ना यार हनुमान जी के दर्शन कर लिया जाए, क्योंकि हमें ना कल जाना है टुंगनाथ के लिए, क्योंकि वहां पर ना स्नोफॉल हो रहा है बहुत तगड़ा भाई। तो हमें स्नोफॉल कल आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सोचा यहां का जो सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर है ना वो आपको दिखवा देता हूं, हनुमान धाम। क्योंकि हनुमान जी और शिव जी जो ना एक ही रूप थे भाई, क्योंकि हनुमान जी जो थे वो शिव जी का अवतार थे। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं यार। भाई अपनी कितनी अच्छी किस्मत है, अभी कुछ दिन पहले हम अयोध्या गए थे राम मंदिर पर, और अब आए हम हनुमान जी के धाम। और ये भी ना मंदिर लगभग भाई बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है जैसा ना वहाँ का मंदिर दिख रहा था। मतलब वो काफी बड़ा है, लेकिन ये भी काफी बड़ा है यार। एक बात बताऊँ मैं आपको, ये एशिया का सबसे बड़ा हनुमान धाम है भाई। तो चलो भैया अब चलते हैं अंदर और हनुमान जी के दर्शन मैं भी करता हूँ और आपको भी करवाता हूँ। सो गाइस फाइनली दर्शन तो कर लिए हैं, और भैया अब ना मैं आपको दिखाता हूँ ये एशिया का सबसे बड़ा हनुमान धाम और हनुमान मंदिर क्यों है, इस वजह से सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बोला जाता है। सबसे पहले तो भाई देखो, ये आप देखो ऊपर कितना बड़ा गुंबद है और कितनी बड़ा मंदिर है, और इसके पास में ना बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया चारों तरफ ना इसके, मतलब ये देखो कितनी जगह दी हुई है, और जगह जगह पर ना हर चारों तरफ ना दो दो डबल डबल मंदिर बने हुए हैं, और यहाँ पर ना लोग अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर वो धागे बांधते हैं रेड रेड। और मंदिर के अंदर जाने के लिए ना भैया 2 से 3 रास्ते हैं, जैसा कि एक रास्ते से मैं आया था, दूसरे से मैं अब उतर रहा हूँ, और इसी के सामने ना भाई बहुत लंबा चौड़ा ना एरिया खाली है जहाँ पर आप अपना रुक सकते हो, पार्क में बैठ सकते हो, सामने यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी है, इधर सारे में रूम बने हुए हैं, और यहाँ पर ना भैया महादेव भी है। और ये देखो भाई अंदर ना बहुत अंदर तक है, और यहाँ लिखा हुआ है इधर जाना मना है, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सामने हनुमान जी ये रहे, उधर भोलेनाथ जी बैठे हैं। सारे एरिया में भाई देखो सारे में आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगी, रात में यहाँ पर ना फुहारे वगैरह चलते हैं, और कितना प्यारी लोकेशन है। इस तरह से ना मैं आपको जगह जगह पर ले जाता हूँ, चलते आप थक जाओगे, और दूर से देखो कितना प्यारा लगता है मंदिर, ये देखो यार। ने का मतलब ये है इससे बड़ा अभी तक एशिया में कोई भी हनुमान जी का हनुमान धाम नहीं है। और हाँ ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये मंदिर कहाँ पर है भैया? ये मंदिर है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, रामपुर के पास में। और भैया एक बात तो मैं आपको बतानी भूल ही गया, आप सोच रहे होंगे कि ये मंदिर है कहाँ पर, तो भैया ये मंदिर है नैनीताल जिले में, रामनगर के पास में। सो गाइस आपको हनुमान मंदिर के भी दर्शन करा दिए हैं, आपको ये मंदिर कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मैं जाता हूँ घर। और हाँ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको कुछ अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।